नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ की ये सैन धर्मशाला है, इसके बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं जब से बीजेपी की टिकट कंवर सिंह यादव को मिली है और यहां पर जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है यहां पे जमावड़ा लगा हुआ है और काफ़ी तादाद में यहां पर लोग भी अभी मौजूद हैं। अंदर जो है हवन यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और कंवर सिंह यादव जी अभी पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे जो यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह भी पहुंचे थे, तो उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं, किस तरह से जो है कंवर सिंह यादव का समर्थन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। एक ही बात कही थी, चाहे 25 तारीख की मीटिंग की बात हो चाहे 1 तारीख की मीटिंग की बात हो, हम है जिस प्रकार से इस महेंद्रगढ़ पे 45 साल से दो आदमियों का कब्जा है और उसको मुक्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो जिले महेंद्रगढ़ की दुर्दशा इन दो आदमियों ने की उसकी वजह से हम इनसे खुश नहीं थे। तो हम जिस बात को लेकर के लोगों के बीच में गए, लोगों भारी तादाद में लोग आए, 25 को भी आए और 1 तारीख को भी 36 बिरादरी के लोग, और सभी ने इस बात का समर्थन किया। तब भी हमने एक ही बात कही थी, अगर कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी ने किसी अच्छे व्यक्ति को अगर ला करके हमारे बीच में कैंडिडेट बनाने का काम किया, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे लोकदल पार्टी हो, आज जिस प्रकार से हमें इस बात की खुशी है, जिस बात को लेकर के हमने पंचायत की थी और उस पंचायत की हमारी बात को सुन करके बीजेपी पार्टी ने एक बहुत पुराने कार्यकर्ता कंवर सिंह हाथोद को जो टिकट देने का काम किया, मैं बीजेपी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छे व्यक्ति को हमारे बीच में देखकर के एक नई परंपरा चलाने का काम किया, मैं इस बात को लेकर के कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में इस कंवर सिंह को देख करके आने वाले टाइम में और भी बच्चे अपने आप में राजनीतिक में जागरूक होंगे, क्योंकि इस बात में पूरी तरह से मैं अपने आप में अवगत हूँ। यही इलाका था, इस इलाके में एक बहुत ही एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, आईएएस का बच्चा आईएएस बने, आईपीएस का बच्चा आईपीएस बने, लेकिन हमने उस सोच को बदली और आज जिस इलाके में सिपाही लगता था वह आज एसपी लग रहा है, जिस इलाके में डीसी कलर्क बनता था वहाँ आज डीसी बन रहा है, जिस इलाके में कंपाउंडर बनता था वहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, इसी इलाके में जिस प्रकार से ये दोनों लोग जब जाएंगे तो इस इलाके में एक नई पहचान बनेगी, आने वाली पीढ़ी एक नई पहचान लेकर के और इस देश की प्रदेश की राजनीतिक में भी एक नया तूफान उठाने का काम करेगा। तो मुझे इस बात की खुशी है, आने वाले टाइम में अगर मेरी इलाके की जनता, और मैं ये कहूँ कि पहले शायद इस इलाके के लोग भोले थे लेकिन आज पढ़े लिखे लोग, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज हर चीज में सामर्थ्य है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी बात अगर कोई मानता है, 36 बरादरी के भाइयों से प्रार्थना करूंगा, एक ऐसे छोटे से परिवार के आदमी को आप उठा करके विधानसभा तक भेजने का काम करें, ताकि आपकी जिले की और आपके महेंद्रगढ़ की आवाज को बुलंद कर सके, हम इसकी तरक्की करवा सके। इस बात को लेकर के मैं सभी से प्रार्थना ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे, कितना फर्क पड़ेगा? काम का आपने किया है जी, क्या बताया? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पहली बात तो ये है, वो हमारे बहुत पुराने सीनियर साथी हैं, बीजेपी के बहुत पुराने साथी हैं और काफी टाइम उनको 45-50 साल इस जनता ने दिया। मैं ये कहूँगा कि कोई बाहर का आदमी ला करके पार्टी ने खड़ा करने का काम नहीं किया, जिस आदमी ने रामविलास जी की सेवा की उसी आदमी को आज टिकट देने का काम किया। तो मैं रामविलास शर्मा से भी प्रार्थना करूंगा, वो भी अपना आशीर्वाद दे करके और कंवर सिंह को कामयाब करना। तो अभी सुना राव बहादुर सिंह ने क्या कहा और काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करवाता हूँ, काफी गैदरिंग है यहाँ पे और पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं जो हमारे साथ सरपंच साहब है खारिया के। बिल्कुल सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर जी,
क्या कहना चाहेंगे जिसे पवन सिंह को टिकट मिली है और काफी खुशी है समर्थकों में? भाई खुशी को न्याय एक तरफी जीत है और कंवर जी ने टिकट मिली है, पूरे बच्चों लेडीज आदमी सब चाहो था, यहाँ जोटा ही परेशान है दोनों आई हाँ बाहर मन बन गया लोगों का मन बने को हाँ जी बहुत अच्छा मन बना रखा है। कंवर सिंह को टिकट मिलने से भारी खुशी है हमारे सारे इलाके में और सब लोग खुश हैं और अच्छे वोटों से जिताएंगे। 36 विद्यार्थी कंवर सिंह के साथ है, अच्छा स्वभाव का आदमी है और बहुत अच्छा आदमी है जी, बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे वोटों जीते। जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जी, कंवर सिंह को टिकट मिली है काफी यहाँ पे समर्थक जुटे हैं, काफी खुशी है, काफी खुशी है, समर्थ लोगों में जो चाहत थी उसी हिसाब से ये काम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बहुत खुशी की बात है, टिकट मिली है, छत्तीस बिरादरी इसको जिताएगी और अच्छी बात है। क्या नाम है हमारे भाई, जैसे रामलाल शर्मा है, रामलाल शर्मा भी साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है, पुराण नेता है वो तो बहुत नेता है शर्मा जी, बहुत हाँ ठीक है नेता जी बदलाव की आवश्यकता थी और ये जो टिकट दी गई है बहुत बड़ा टिकट दी है। प्रधान जी काफी समय से बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल सर जी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, मुबारकबाद देंगे पहले तो टिकट के लिए, पार्टी ने सही फैसला किया है। हाँ, पार्टी का फैसला सही है जी, कार्यकर्ता के रूप में बिल्कुल, पार्टी का फैसला सर माथे पर, जो लोगों को ये चल रहा है कि पार्टी पैसों में टिकट देती है वो सब का धराशायी हो गया है और एक सच्चे कर्मठ और ईमानदार को टिकट मिला है इसमें, और ये महेंद्रगढ़ का सौभाग्य है, बदलाव का टाइम आ गया है, इसलिए आम जनता सभी घर घर में प्रधान जी के साथ है और विजय हो गया। एक तरफा माहौल बन जाए, एक तरफा माहौल जी, एक तरफा माहौल, रात से जब से देखा है लोगों का मतलब सब में एक वो हो रहा है, जागरूकता पैदा हो गई है और सभी चाहते हैं कि भाई महेंद्र का बदलाव और कौशिक से अच्छा प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। मैं हाईकमान का, मुख्यमंत्री नायब सैनी का बहुत बहुत आभार करता हूं जो इतना स्ट्रॉन्ग कदम उठाया और एक आम आदमी को टिकट देके महेंद्रगढ़ का सौभाग्य। तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा, नायब सैनी जैसा सीएम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नायब सैनी जैसा सीएम हिंदुस्तान में नहीं है, यहाँ के योगी के बाद नायब सैनी है यहाँ की, ठीक है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आगे हमारे कंवर सिंह भाई साहब हैं ये बहुत ही बढ़िया ईमानदार सच्चे नेक नेता हैं और हम ये कहेंगे कम से कम 25-30 हज़ार वोटों से इनकी विजय होगी। 25-30 हज़ार? हाँ जी बिल्कुल होगी। देखिए काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा बातचीत करवाऊंगा, काफी लोग यहाँ पे बैठे हैं। सर जी नमस्कार, देखते हैं कंवर सिंह को, कंवर सिंह यादव को टिकट मिली, हरियाणा की शान है, जीतेगा 50 हज़ार वोटों से, जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। काफी खुशी का माहौल बना हुआ है यहाँ पे? नहीं कोई, बहुत बढ़िया माहौल है और 50 हज़ार वोटों से बीजेपी पार्टी यहाँ से जीतेगी, कंवर सिंह यादव जी जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे, क्लियर जीत है जी, प्रधान जी की बिल्कुल क्लियर जीत, कंवर सिंह यादव की क्लियर जीत, बिल्कुल जीत जीत है, कंवर सिंह यादव एक तरफा जीत है, बहुत बड़ा मार्जिन से जीतेगा। हाँ जी, हम 40 साल से बीजेपी के वोटर है और रहेंगे और प्रधान जी ने जो काम किया, प्रधान जी रह चुके, बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी है और बहुत अच्छे वोटर जीते हैं। कांग्रेस वाला जो कैंडिडेट खड़ा है इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, कांग्रेस वाले वोट भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, अभी इधर ही आएंगे, अभी आप भी आ जाएंगे। आज का क्या कहना चाहेंगे सर? लोगों ने बांट थी टिकट की, अच्छा। सारा कांग्रेस वाले आऊंगा, कांग्रेस वाले यही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी यही बात है जी, कंवर सिंह जी साथ है? हाँ साथ है। बिल्कुल, देखिए काफी लोग यहाँ पे मौजूद है, इधर भी मैं दिखाना चाहूंगा। और सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जैसे कंवर सिंह को टिकट मिली है तो? कंवर सिंह जी को ये एक्चुअली एक ईमानदारी की जीत है, महेंद्रगढ़ सीट बहुत ही, पूरे हरियाणा की जो नज़र थी महेंद्रगढ़ सीट पे थी, बहुत ही हॉट सीट बनी हुई थी और पार्टी ने जो चौंकाने वाला फैसला किया है, ईमानदार पार्टी ने साबित कर दिया है कि पार्टी ईमानदारी के ऊपर खरी उतरी है और एक ईमानदार आदमी को जो सबक सबका था और जो ईमानदार था, जिसने जनता के बीच में जाके मेहनत करके अपनी पहचान बनाई है, पार्टी ने उसी उम्मीदवार को पार्टी ने चुन के भेजा है जनता के बीच में। और मैं यही कहना चाहता हूं जनता से कि पार्टी ने जितनी ईमानदारी से कंवर सिंह जी को चुन के आपके बीच में भेजा है, हमें भी उतनी ईमानदारी से काम करके
अब कंवर सिंह जी को विधानसभा के अंदर भेजना है, बड़ी बात है सर ये, बहुत बड़ी बात है जी। तरह तरह की भ्रांतियां चल रही थी, तरह तरह की बातें चल रही थी, कोई 50 करोड़ लेके टिकट ला रहा था, कोई 100 करोड़ लेके टिकट ला रहा था, लेकिन पार्टी ने अब साबित कर दिया है कि पार्टी बहुत ही ईमानदारी से काम करती है, बिना पैसे भी टिकट मिल सकती है, बिना पैसे टिकट मिल सकती है और एक नॉर्मल आदमी को टिकट मिल सकती है, ये बीजेपी में ही संभव है। और हम सब मिलके जो पार्टी का जो फैसला है उसको सिरे चढ़ाएंगे और कंवर सिंह जी को बहुत भारी बहुमत से जिता के महेंद्रगढ़ से भेजेंगे। पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सर माथे पे, और हम साबित करके दिखाएंगे कि पार्टी ने ईमानदारी से जो फैसला लिया है उसको जनता ने सर आंखों पे रखा है। और कंवर सिंह जी अब बहुत ही भारी बहुमत से जीत के विधानसभा में पहुंचने वाले हैं महेंद्रगढ़ जी। नमस्कार, मैं एडवोकेट अशोक कुमार बेरी से। हम जी बहुत खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नॉर्मल कार्यकर्ता को जो ईमानदारी से कई सालों से पार्टी की मेहनत कर रहा था उसको दिया टिकट। तो इस बार की जनता चाहती थी कि किसी नए कार्यकर्ता को मौका मिले, वो कार्यकर्ता को मौका मिला है। इस बात से जनता आप देख रहे कितनी खुश है और भारी बहुमत से कंवर सिंह यादव को यहाँ से मंदिर से विजयी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ताऊ जी भी बैठे हैं। ताऊ जी किस तरह से देखते हैं कंवर सिंह यादव को, जिस तरह से टिकट मिली है और काफी उत्साह है, लोगों में खुशी की लहर है यहाँ पे। ये बहुत मिलनसार आदमी है और इन्होंने अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी का बहुत अच्छा काम किया है, और हर आदमी को दुख सुख में जाते हैं, कई नेता घमंड हो जाता है लेकिन इसका कोई घमंड नहीं किसी चीज़ का। हर एक चीज़ की जैसे मृत्यु हो जाती है, बूढ़ा बढ़ा वहाँ जाता है, और भी कोई गऊँ की बकरा हर चीज़ की सेवा करता है, धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति नंबर वन है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आदमी, और काफी दिन से इंतजार भी था टिकट का, अब किसको मिले, काफी चिंता में रोज था इन्हों टिकट न मिलने। इधर भी देखिए काफी लोग हैं। सर जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे कंवर सिंह जी को टिकट मिली है, कितनी खुशी है, कितना क्या? कंवर सिंह जी को टिकट मिलने में बहुत खुशी है, और एक तरफा जीत है कंवर सिंह जी की, कोई हरा नहीं सकता उनको। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? यही है, एक ईमानदार बढ़िया आदमी है, बढ़िया थवी का आदमी है, धरती से जुड़ा हुआ है यहाँ के, और वैसे भी ईमानदार है। पार्टी एक बीजेपी ऐसी है जो कि ईमानदार ने और बिना पैसे टिकट देती है और कमजोरी से ऊपर ले जाती है, बाकी कोई पार्टी ऐसी नहीं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कंवर सिंह यादव को, एक आम आदमी को जिन्होंने सेवा की, लंबे समय तक एक मौका दिया, हरियाणा महेंद्रगढ़ में बदलाव के संकेत तो पहले ही यहाँ के निवासी दे चुके थे, परंतु इस मुहिम में आज 1,00,000 वोटों से कंवर सिंह यादव जी भारी बहुमत से एक तरफा जीतने जा रहे हैं। और इलाके के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों से नम्र निवेदन है कि इस आहुति में आप सब एकत्रित होकर, संगठित होकर इस मुहिम में, ऐसा मुहिम में शुरुआत करें ताकि एक तरफा यहाँ से कंवर सिंह यादव की जीत निश्चित होने जा रही है। इसमें कोई दोहराएगी और चूक की बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी त्रस्त है। 45 साल तक जिन लोगों को मौका दिया उन्होंने महेंद्रगढ़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया, आज कंवर सिंह यादव हमारे बीच में आए हैं, उनका पूरे गांव वासी एकत्रित होकर यहाँ सम्मानित सम्मान कर रहे हैं, और जो ही 12 बजे 12:15 बजे नामांकन भरने जाएंगे, आप देखोगे कई हजारों की संख्या में एकत्रित होकर, और बदलाव के लिए जो बदलाव के संकेत हैं वो यहाँ के जन जन चाहता है कि महेंद्रगढ़ में विकास हो, बदलाव हो, ऐसी मुहिम आने वाले समय में 5-7 दिन में चलेगी। एक तरफा कंवर सिंह यादव यहाँ से भारी बहुमत से कम एक पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे। सबसे बड़ी जो जीत दर्ज होगी वो महेंद्रगढ़ से होगी, इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई चूक नहीं है। और कुछ लोग कांग्रेस के या किसी भी पार्टी और निर्दलीय व्यक्ति आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समर्थन दे दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, परंतु जनता जब जन जन बदलाव चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। एक तरफा जीत होगी। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करते हैं, उनको बधाई देते हैं, कंवर सिंह यादव को, महेंद्रगढ़ की जनता की जीत होने जा रही है। देवतुल्य एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, ये भगवान के समान है, एक एक वोटर 100-100 कार्यकर्ताओं को काम करने लाने का काम करेगा। सारे वोटर गांव से जुड़ते जा रहे हैं, और जो ही पता चला, आप लोग देख रहे थे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि महेंद्रगढ़ की जनता एक ही चाहती थी कि 45-50 साल हो गए इन दो लोगों को,
वो बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग। ये गिरदावरी तोड़ दी गई है अभी यहाँ पे 100% यहाँ से गिरदावरी टूट चुकी है, इसमें कोई जिंदा एक तरफा यहाँ से जीतो की कौर सिंह यादव। बार बार हम तो यही निवेदन करते हैं कि कौर सिंह यादव पक्ष में आकर खड़े हो, उनके हाथों को और मजबूत करो, सिर नेत्र इतनी बड़ी जीत दर्ज कर दो ताकि आने वाले समय में मंत्री पद से कौर सिंह यादव को कोई रोक नहीं सकता हरियाणा में बनने से। क्या कहना चाहेंगे कौर सिंह यादव? 50,000 वोट है जीतेगा। हाँ, मन बढ़ा लिया लोगों ने, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, काफी वोटों से जीतेगा और इतना अंतर कंवर सिंह यादव की जीत होगी, पहले से माहौल बना हुआ है। आप पिछले इलेक्शन से ही दोनों ने काटो पार कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? आज बड़े आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो है और बहुत बधाई हो, जिन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता के यहाँ एक टिकट दे करके बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी ने 15 अगस्त के ऊपर ये कहा था कि 1,00,000 कार्यकर्ताओं को हम तैयार करेंगे जिनका कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं होगा, और उन्होंने जो है ये सीट भी कर दिया, ये सीट दे करके, और पहली सीट ये मान के चलो जीत कर जो आएगी वो कंवर सिंह जी की आएगी, और ये 101% जो है वो सीट बीजेपी की झोली में आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बीजेपी का ये जमावड़ा है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहन लाल है, गाँव मेरा कोथल खुर्द है। महेंद्रगढ़ की जनता का इतिहास है, 1982 में जब शिक्षा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को जब MLA बनाया था राम दलीप सिंह के मुकाबले में, आज वही स्थिति है वैसे की हालत से, गाड़ी घोड़े के हालत से देखा जाए तो। परंतु इस महेंद्रगढ़ की जनता जब कोई मन बना लेती है ना, उसके सामने को टिक नहीं सकता। अब कंवर सिंह यादव को विधानसभा में पहुंचने के लिए किसी की ताकत नहीं जो रोक लेगा। यहाँ पे माहौल बढ़िया बढ़ गया है, बहुत अच्छा बना। हमने संगठन में यही बात कही है। मैं पिछले 24 जुलाई 1985 से बीजेपी का कार्यकर्ता सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ, और जहाँ भी हमने कही टिकट की बात हुई वह ये कि टिकट देना आपका काम है, महेंद्रगढ़ की जनता विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी कंवर सिंह यादव को। और ऐसी कोई बात नहीं जो अफवाह है, हमारे जो रामविलास जी हैं उनको हम मना लेंगे, कैसे भी उनका आशीर्वाद ही हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो है ये सैन धर्मशाला के बाहर जो है जनता का जमावड़ा आप देख सकते हैं, किस तरह से जो है जनता चारों तरफ ये जो इकट्ठा हुई है। अभी कुछ ही देर बाद जो है नामांकन किया जाएगा, और यहीं से ही पूरा जो काफिला है इनका, इस काफिले के साथ जो है आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो रोड शो के माध्यम से और जो SDM कोर्ट के अंदर जो ये नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे करीब 12-12:15 बजे के आसपास। और यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करी है, क्योंकि ये जो बीजेपी पार्टी का एक बड़ा फैसला है, और यहाँ पे जो जिस तरह से टिकट को बदला गया है ये काफ़ी खुशी की लहर जो है यहाँ के लोगों में, स्थानीय निवासियों में जो है दौड़ उठी है। तो हमारे साथ प्रवीण भाई साहब भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ा जानते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, बड़ा बदलाव का इशारा है, जो चीज महेंद्रगढ़ मांगता था वही चीज दे दी गई आज। देखिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, और ये पब्लिक की मांग थी। पिछले 10 साल से मैं कंवर सिंह जी के साथ हूँ, मैंने दिन रात उनके साथ रहा, मैंने देखा है इस इंसान ने इस इलाके की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गाँव के अंदर जोड़ तालाब पाइपलाइन में बिना विधायक बिना किसी पद पे होते हुए इसने इतने काम करवाए हैं, और पीछे पार्टी ने सर्वे भी करवाए, यहाँ से एक तरफा यहाँ से लोगों ने मांग भेजी है कि अगर यहाँ से कोई जीत सकता है तो सिर्फ कंवर सिंह यादव जीत सकता है, और पार्टी ने उसको सर माथे के ऊपर लिया और हम पार्टी का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यहाँ से एक बड़ा इशारा है अभी, मतलब एक तरफा सा माहौल बन चुका है। देखिए टिकट है वो रात्रि 11 बजे आई थी, इस चक्कर को लेकर तैयारियां भी नहीं कर पाए हम सब लोगों को सूचित भी नहीं कर पाए अभी तक। गाँव में सोशल मीडिया के माध्यम से या जो नजदीकी साथी थे उनके थ्रू ये चीजें पहुंच पाई हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से न्यूज़पेपरों में भी बहुत कमाई है, क्योंकि टाइम इतना लेट हो गया था, और आने वाले 1-2 दिन में आप देखना कि गाँव के गाँव उठ के आने वाले हैं। बिल्कुल हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहे, बड़े आनंद आ रहे, आनंद आ गया। कंवर सिंह यादव के नाम से तो महेंद्रगढ़ का शुभ कार्य हो चुका है, समझ लो इतिहास में
ऐसी जीत होगी जो पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हाँ बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है, एकदम क्लियर निश्चित जीत है, क्लियर निश्चित जीत बता रहे हैं। और यहाँ पे सैन धर्मशाला के बाहर हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो है काफी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही नामांकन करने जाएंगे। हाँ भाई साहब क्या कहना चाहोगे बताओ। हाँ जी, आपकी बार कंवर सिंह जी भारी मतों से विजय होंगे, महेंद्रगढ़ जिले में विकास उसके सभी रास्ते खोल दिए जाएंगे विकास के और बढ़िया काम होगा। महेंद्रगढ़ की जनता परेशान थी, अब की बार कंवर सिंह जी आ रहे हैं तो लगता है भविष्य में अब महेंद्रगढ़ का विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी लोगों ने मन में बना लिया विचार, अब भी यहाँ पे महेंद्रगढ़ का होगा विकास। और कुछ लोग यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं। सर नमस्कार, सर क्या कहना चाहेंगे? मतलब सभी लोग आपको देख के बड़ी खुशी है और आप तो हर छवि को तय करते हैं, पर ये हमारी तरफ से भारी बहुमत से और योग्य आदमी चुना, मतलब ईमानदार योग्य, तो शरीफ ताई की तरफ हर आदमी दौड़ता है, तो ये हमारी तरफ से बहुत भारी बहुमत से जीत तय करना चाहिए। और आगे हमारी ये है कि भाई साफ और सुथरे आदमी को देगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ कंवर सिंह यादव को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और अभी आगे की कवरेज भी हमारे चैनल पे आपको दिखाई जाएगी, तो आप इस खबर को ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजेएन हरियाणा के साथ। नमस्कार।